हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की हमारी टॉपिक जो है थोड़ी हटके है और ये इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जिनका एग्ज़ाम दिसंबर सेशन में होने वाला है, क्योंकि इन के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। और देखिए, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे आपकी राइटिंग स्किल रहती है, आपको किस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके वहाँ पर एग्ज़ाम लिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको कितने नंबर्स मिलने हैं या फिर आप कितने नंबर जो है पा सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूँ जो इग्नू में आपके एग्ज़ाम देने के वक्त आपको जो है ये काम आएंगे। तो चलिए, मैं कुछ चीज़ें बोर्ड में लिखा हूँ, चलिए उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटी सी ये बता देता हूँ अनाउंसमेंट, जो हमारी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि देखिए, ये जो है ये RRB ALP एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है अभी हाल फिलहाल में। तो देखिए गाइस, आप जो है सब्जेक्ट, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट्स के जो भी है वीडियो आप कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन देखिए, हमारे चैनल में जो है फीटर ट्रेड की अभी फिलहाल जो है एक ये स्टार्ट होने वाली है, सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। 10 दिसंबर से ये स्टार्ट होगी, इसमें से हम लोग जो है ट्रेड जो रहेगा, ये हमारा फीटर रहेगा, इसमें हम लोग ऑल डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन कौन कौन से चीज़ का होगा, क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप जिस चीज़ को पढ़े हो वो डिस्कस किया जाए आपके साथ, ठीक है, आप किसी के साथ करते हो। तो ये देखिए, ये डिस्कशन क्लास होगी हमारी सबसे पहली। उसके बाद नीमी बुक जो है, जिसको NCERT ऑफ ITI ट्रेड करते हैं, उसको भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसके अगला जो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे। और प्लस सिर्फ ALP के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे हम, और भी जितने जैसे IOCL, SAIL, VAIL, NTPC जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं फिटर रिलेटेड जो है क्वेश्चन, सारे को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके बाद थ्योरी भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है आपको इस सीरीज के अंदर मिलेंगी। बाकी आपको देखिए PDF की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ कि नो नीड टू बाय। बट अगर आपको पर चैप्टर PDF चाहिए, क्योंकि देखिए एक चैप्टर के PDF में आपको लगभग 12 से 15 पेज दिया जाएगा, तो वो बनाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाएगा, इसके चलते पर PDF का जो है प्राइस 10 रुपीज़ रखा गया है। बाकी आप, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ना खरीदें, लेकिन अगर आप खरीदते हैं तो भी 150 रुपीज़ तक में आपका जो है ये पूरा कोर्स PDF के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, इससे जुड़ सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने मेन हमारा जो वीडियो है उसके ऊपर। तो ये है देखिए, सबसे पहला ये डाउट सेशन है, और मैंने यहाँ पे कुछ डाउट्स लिखे हुए हैं जो मेनली मेरे को इंस्टाग्राम में पूछे गए थे। तो सबसे पहला डाउट जो है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन इग्नू, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने पढ़ाई की है, थोड़ी सी भी अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, तो आप आसानी से इग्नू में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बताता हूँ कुछ आप लोगों को तरीका। देखिए, सबसे पहला बात जो है, अगर आपने इग्नू की अच्छे से थोड़ी सी भी तैयारी की है, तो राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आप लिखने से पहले आप थोड़ी सी कोशिश करें कि उससे सजा के लिखने का, ताकि जैसे कि देखिए आपको कॉपी मिलता है, कॉपी मान के चलिए ये मिला आपको कॉपी, ठीक है, आपको यहाँ पे ये आपकी कॉपी है, आंसर राइटिंग कॉपी, आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा और फिर यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप स्केल लेके जा सकते हैं वहाँ पे, और एक आंसर लिखने से पहले जो है आप दोनों साइड इस तरह का हाशिया दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मैक्सिमम पेज से भी कवर हो जाएंगी, और प्लस जो है आपका इसमें जो है अच्छे खासे मार्क्स भी मिलते हैं, क्योंकि मैंने इसे फॉलो किया है और अच्छे खासे मेरे को मार्क्स मिल चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात जो है, आप अगर अच्छा नंबर मार्क्स लाना चाहते हैं इग्नू में, तो आप प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर को देखें जरूर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या होते हैं कि प्रीवियस ईयर से मेनली आपको ये नॉलेज हो जाता है कि किस किस चैप्टर से जो है क्वेश्चन मेनली पूछे जा रहे हैं, और पिछले कई सालों में कौन से क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप उन सब पे फोकस कर सकते हैं। तो चलिए, अगला जो हमारा पॉइंट है, प्रीवियस ईयर इज यूजफुल और नॉट। तो मैंने यहाँ पे बताया प्रीवियस ईयर इज यूजफुल, आप कम से कम आपके एग्जाम जब हो रहे हैं, जैसे कि अभी दिसंबर सेशन का 2022 का एग्जाम हो रहा है, तो आप जून 2022 और फिर दिसंबर 2021, जून 2021, ठीक है, 2020 तक का जो है आप टोटल प्रीवियस ईयर देख लें। इससे आपको नॉलेज आ जाएगा कि रिसेंट पैटर्न किस पैटर्न में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ
एक और चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट आप ज़रूर देख लें, क्योंकि असाइनमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि इस बार की फॉर्मेट क्या होगी। तो असाइनमेंट इज़ ऑल्सो यूजफुल, सो यू शुड रीड दैट वन ऑल्सो। ओके, सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू पास द एग्ज़ाम। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ये मैंने उन बच्चों के लिए लिखा हुआ है जो लगभग पूरे साल की मतलब वो पार्ट टाइम कहीं पे जॉब करते हैं या फिर फुल टाइम जॉब नहीं कहीं पे हैं और उनका एग्ज़ाम आ चुका है, तो एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में वो पास कैसे करें, ये मैटर कर जाता है। तो देखिए, पास करने की भी एक तरीका होती है, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि आप लास्ट टाइम में आपने ये किया है कि आपके एग्ज़ाम के पहले जस्ट आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आपको भी वहाँ पे भी पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी होती है। वो क्या होती है उसे भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसे मिटा लेता हूँ, ठीक है। देखिए वो स्ट्रेटेजी क्या है, वो ये है कि देखिए, सबसे पहले आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना है, तो एग्ज़ाम देने से पहले आप ये जान लें कि हमारा कौन कौन सा जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से लेसन्स हैं, ठीक है। आपको लेसन्स के बारे में जानना है, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन लेसन में, ठीक है। क्योंकि टॉपिक्स जानना क्यों जरूरी हो जाता है, देखिए आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिना कुछ पढ़े हुए, तो ये तो पक्का है कि आपको वहाँ पे लिखना है। आप अपने अगर लिखेंगे कोई चीज़ तो या फिर आगे पीछे करके लिखेंगे, या फिर आप अपने मन से अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐड करके लिखेंगे। तो इन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए, एग्ज़ाम अभी ग्रेजुएशन का जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो मैटर ये करता है कि आप कितना से उसको अपने लैंग्वेज में ढाल के जो है लिख सकते हैं। तो उस जगह पे आपको जो है लेसन और टॉपिक्स जो भी हैं आपके बुक में, उसे थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है बढ़िया से, ठीक है। इससे पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। मान के चलिए कोई क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन रिलेटेड टू, अगर आपने कोई भी जो पॉलिटी से रिलेटेड लिया है, तो पॉलिटी से रिलेटेड अगर पूछ दिया कि अभी मॉडर्न जो है मॉडर्न पॉलिटिक्स कि कुछ बातें लिखें आप, ठीक है, या फिर बुक में जो है प्रॉपर तरीके से उसको बताया जाता है। लेकिन अगर आपने मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है उसको थोड़ा सा भी पढ़ लिया है अपने बुक में कि क्या उसकी उसके बारे में क्या चीज़ वहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो आप यहाँ पे मान के चलिए जो कुछ भी जोड़ के लिखिएगा वो रिलेटेड टू योर टॉपिक होगा, ठीक है, आपके टॉपिक के अंदर से ही होगा। इसलिए अगर ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है, और अगर आपने इसको जैसे कि वहाँ पे 200 वर्ड्स में लिखने देता है, तो आप प्रॉपरली इसको 10 मार्क्स के अगर हैं तो आप इसे दो पेज जो है लिख दें अच्छे से, ठीक है। आप जो भी आपको जोड़ के लिखना है वो भी लिखें, लेकिन ये होना चाहिए रिलेटेड टू दैट टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक विच इज़ योर क्वेश्चन। ओके, सो आप लिख सकते हैं उसको, आपको 10 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपको 5 to 7 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे इसमें। तो ये तरीका होता है। बाकी अगर आप किसी क्वेश्चन को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, देखिए एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बात है जो कि मुझे नहीं बताना चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बात ये बता दे रहा हूँ, सो थोड़ा सा पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ें और फिर भी आपको पास होना है, तो आपको सबसे पहली बात जो है ये कहीं ना कहीं ट्रिक होती है कि आपको एक भी क्वेश्चन जो है वहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको जितना भी आता है उसको आप लिख के जरूर आए, और कोशिश करें कि फिल द ऑल पेज, ठीक है, पूरा जो है कॉपी को, पूरा यदि नहीं भर पाते हैं फिर भी आप जो है अच्छे खासे कॉपी को अबाउट 75% अगर जरूर भरते हैं कॉपी को लिख के, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आपने एक बार पूरा बुक के लेसन्स को देख लिया, टॉपिक को देख लिया और फिर आप लिखते हैं, तो डेफिनेटली आप पास तो जरूर कर जाओगे, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो है तरीका ये है कि हाउ टू पास द एग्ज़ाम। अब हम लोग चलिए चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, और थर्ड टॉपिक जो है हमारा, थर्ड टॉपिक क्या है, चलिए मैं भी इसके ऊपर चर्चा करता हूँ। थर्ड टॉपिक है कि आंसर राइटिंग टिप्स, ठीक है। आंसर राइटिंग टिप्स क्या है, अब देखिए चूंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ग्रेजुएशन का, तो ये कोई 10th और 12th का है नहीं जो कि आप कोई भी आंसर को रट के आप जो कि आसानी से वहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखना हमें बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे एग्ज़ाम में। तो देखिए आंसर राइटिंग टिप्स क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे पहली जो है गुड मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले जो है, आपको जो पहले मैंने बताया था कि आप कोई भी पेज में लिखने से पहले जो है, ठीक है, इसमें लिखने से पहले साइड जो है पैराग्राफ इसको खींच लें एक स्केल से, उसके बाद इसको परफेक्टली तरीके से लिखें। दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि आप कोई भी आंसर लिखते हैं, यदि आपको कोई भी आंसर आता है तो उसे मतलब अपनी कोशिश कीजिए कि पॉइंट्स वाइज लिखें। पॉइंट्स वाइज मतलब
कि जैसे कि हम पॉलिटी के बारे में लिख रहे हैं, मॉडर्न जो है अभी मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में, तो आप जैसे कि हमें 4 साल के बारे में लिखना है, ठीक है, 2012 के बारे में लिखना है, 2013 के बारे में लिखना है, 14 के बारे में लिखना है, 15 के बारे में लिखना है, तो आप ऐसा ना करें कि इसे एक ही साथ लिख दें, ठीक है, एक ही लाइन में ऐड करके लिख दें, ऐसा ना करें। आप क्या करें कि इसे एक पॉइंट दें, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखें 2012, और फिर इसके बारे में यहाँ पे जो भी है डिस्कस करके लिखते हैं। अगला पॉइंट दें, फिर लिखें यहाँ पे 2013, और फिर इसे डिस्कस करके लिखते हैं, ठीक है। उसके अगला जो पॉइंट है हमारा वो है क्या कि आपको जब भी वहां पे आंसर राइटिंग करने के लिए दिया जाएगा तो वहां पे लिखा जाता है कि 200 वर्ड्स में लिखिए, 200 वर्ड्स में लिखिए या 300 वर्ड्स में लिखिए। तो गाइज आप कोशिश करें कि इस जो है ये जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि एग्जामिनर जो है उन्हें आप कितना लिखे हुए होते हैं उसी को देख के पता चल जाता है कि ये इन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है कि नहीं, तो ये भी मार्क्स कैरी करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। और चौथा है कि आप जितना भी लिखें गुड हैंडराइटिंग के साथ लिखें, अब देखिए इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़ के नहीं जाते हैं वो सोचते हैं कि हम किसी तरह करके लिख देंगे तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, उसके बाद हमें मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे वैसा नहीं कुछ होने वाला है। सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जैसा कि एक बार पूरे बुक को देख लें कि आपका कौन कौन सा चैप्टर है, और अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिखें, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करें, आप पॉइंट वाइज लिखें आंसर, और इस तरह से आप इसको यहाँ पे कॉलम वाइज इसको करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा नंबर का जो है कि आंसर राइटिंग टिप्स, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि अगला जो है हमारा टॉपिक वो है व्हाट टू रीड इन लास्ट फ्यू डेज, ठीक है, लास्ट के एग्जाम से कुछ दिन पहले जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो ये भी जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आपको तैयारी अगर प्रॉपर तरीके से कीजिएगा तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ये तो पक्का बात है। देखिए व्हाट टू रीड इन लास्ट फ्यू डेज, तो देखिए आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप पूरे साल पढ़े हैं तो फिर आप लास्ट के दिन में रिविजन कीजिए, रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। अगर आपने अच्छे थोड़ी सी मतलब पूरी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किया है तो आप लास्ट के दिन में देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसके बाद आप असाइनमेंट देख लें, आपका जो लेटेस्ट असाइनमेंट जो आपने लेटेस्ट में सबमिट किया है उसको देख लें, उसके बाद हमारे चैनल पे एग्जाम स्पेशल वीडियो भी आती है, ठीक, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद आप जो अगर आपने नोट्स बनाए तो उसे रिवाइज कर लें, इन देखिए सबसे पहले रिवाइज ऑल द टॉपिक्स प्रीवियस ईयर असाइनमेंट एग्जाम स्पेशल, और अगर जो है इतना चीज करने के बाद भी अगर आपके पास समय बच जाता है तो आप एक बार बुक को बुक के जो भी बुक्स टॉपिक ओके उसको एक बार देख लें कि आपके लेसन में कौन कौन से टॉपिक हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि पास करने के लिए भी बुक एक बार रीडिंग कर लें, आप अपने टॉपिक में जो कुछ भी दिया हुआ है उसे जान लें। तो उसी तरह अगर आपको जो है लास्ट के दिनों में आप ये चीज़ जरूर करें कि आपको आप कम से कम ये देख लें कि आपकी जो जैसे कि FST 01 है उसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है, तो FST 01 में जैसा कि एक कोई भी एक साइंस से रिलेटेड टॉपिक है तो उसमें कहाँ तक के साइंस को उसमें मेंशन किया गया उसे जरूर देख लें, और वहाँ तक के जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं कोशिश करें कि हम उसको जो है कवर कर लें, अगर नहीं होता है तो कम से कम उसको एक बार रीड मार लें ताकि एग्जाम में जाए तो कुछ हद तक अगर हमें 5-10% भी याद रहता है तो उसे हम लोग ऐड करके लिख सकें, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा डाउट सेशन, आशा करते हैं कि ये जो है आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगी और आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। तो गाइस ये था हमारा एक प्रयास छोटा सा जो लगातार चल रही है महीनों से ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको एग्जाम में। बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेरी से रिलेटेड जो है डिस्कस करना है तो आप हमारी इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है उसमें जाके आप कमेंट हमको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा।
इसके साथ ही साथ आप अगर अपने सब्जेक्ट के बारे में वहाँ लिखते हैं कि उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाए, तो वहाँ पे अपना एग्जाम डेट भी मेंशन कर दे, ताकि मैं मुझे ये मालूम हो सके कि मुझे कब तक वीडियो अपलोड कर देना है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।